dear students. How are you? कैसे हैं आपकी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? अभी छुट्टियां जो आपको मिली हैं, ये किसी कारण की वजह से मिली है? तो छुट्टी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? नहीं? करनी चाहिए। ठीक है। इन छुट्टियों का कुछ सदुपयोग हमें करना है। छुट्टियों में आपका पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। इसलिए हमारे मन में एक संकल्प आई है, एक सोचा है हमने कि आपके सब्जेक्ट से जो कुछ टॉपिक्स लेकर उससे रिलेटेड कुछ ई लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो, छुट्टियों का आपको सदुपयोग भी हो, और इसी ई लेक्चर्स के माध्यम से हमारा आपका संपर्क भी होता रहे। ठीक है। तो आज हम साइंस का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो काफी आपका जाना पहचाना है, काफी बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। टॉपिक का नाम है फोर्स। फोर्स ये फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका काम हमें हर मोड़ पर पड़ता है। हमारी डेली रूटीन में ईच एंड एवरी एक्टिविटी, इसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। काफी सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे आपने किसी चीज को उठाया, कहीं रख दिया, रूम का दरवाजा आपने खोला, खिड़की आपने बंद की। एक काफी सादा एग्जांपल, आपने पेन को उठाया और आपके कॉपी में कुछ लिखा। इन सारी एक्टिविटीज में, इन सारी गतिविधियों में फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये फोर्स एक्चुअली होता क्या है? साइंटिफिकली फोर्स किसे कहा जाता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स? ये आज हम डिस्कस करेंगे। फोर्स के कौन कौन से प्रकार हैं? काफी सारे प्रकार हैं, जैसे आपको बताना चाहूंगा। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच एक फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसे ही दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच भी एक फोर्स होता है, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। जो काम हम करते हैं हाथों से, इसमें भी एक फोर्स होता है, दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। तो काफी सारे फोर्स के एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ड्रैग फोर्स। और इसी में एक काफी इंटरेस्टिंग नाम है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम बाकी सारे फोर्सेस की चर्चा नहीं करेंगे, आज हमारा फोकस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, कैसे ये चेंज होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसके यूनिट्स है, इन्हीं सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये फोर्स होता क्या है, पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने अगर एक पुश एग्जर्ट किया, या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पुल किया, तो इसी को बोला जाता है फोर्स। यू कैन डिफाइन इट, अ पुल और अ पुश एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। इसको और थोड़ा हम विस्तृत अगर बोलना चाहो तो साइंटिफिकली फोर्स ये ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अगर किसी बॉडी पर एक्ट होती है तो बॉडी का स्टेट बदलता है। स्टेट मतलब उसकी स्थिति। फोर्स डालने में अगर बॉडी एट रेस्ट है तो बॉडी अपना रेस्ट ऑफ स्टेट बदलता है। ऑलरेडी अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर हमने फोर्स डाला तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। इसी का यूज करके हम फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ
uniform motion of a body. I repeat for you. Force is a physical quantity which changes the state of rest or state of uniform motion of a body. ये जो quantity है उसको बोला जाता है force. Force के काफी सारे types मैंने आपको बताए. इसमें से जो एक type हम आज discuss करने जा रहे हैं, that is gravitational force. एक स्टोरी आपको पता होगा ही, आपने सुना होगा नहीं पढ़ा होगा. फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक थे सर इसाक न्यूटन. एक बार हुआ ऐसे कि न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उसी समय पेड़ से एक सेब एप्पल गिरकर टूटकर नीचे गिरा. काफी सिंपल इंसिडेंस है, काफी सादी घटना है, लेकिन न्यूटन ने विचार किया कि ये जो एप्पल पेड़ से टूट कर नीचे गिरा है ये सीधा नीचे ही क्यों गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही उसका मोशन क्यों रहा, किसी और डायरेक्शन में ये एप्पल क्यों नहीं गिरा. जैसे ये अगर अर्थ है और यहां से अगर सेब नीचे गिरता है तो वो सेब सीधा इस डायरेक्शन में नीचे गिरा. न्यूटन ने विचार किया कि ये जो गिरने वाला सेब है ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गिरा, ये टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया, ये टूटने के बाद ऐसे तिरछा क्यों नहीं गया, उसका गिरने का डायरेक्शन नीचे ही क्यों रहा. इस पर काफी न्यूटन ने संशोधन किए, काफी सारी थ्योरीज डेवलप की और अंत में न्यूटन इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो सेब था और ये जो अर्थ है इन दोनों के बीच होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन शॉर्ट वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो हो गई एप्पल और अर्थ की बात. बाद में आगे संशोधन करके न्यूटन ने यह बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ एप्पल और अर्थ के बीच ही नहीं रहता. यूनिवर्स में आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस एग्जांपल, दिस इज वन ऑब्जेक्ट and this is another object. Object A and object B. इनके बीच भी होता है gravitational force. ये object कहीं पर भी हो सकता है, एक object यहाँ पर हो और दूसरा object आपके घर में हो. इन दोनों के बीच भी होता है gravitational force. अब ये force कितना होता है, क्या इसका formula है, अभी हम इसकी बात करें. तो पहला जो ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका मास m1, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, ये इनके मासेस और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d. ऐसी अगर स्थिति है तो न्यूटन ने संशोधन के बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये बताया कि इन दोनों के बीच होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक दूसरी बात, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. म्यूचुअल का मतलब ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स डालेगा, उसी समय बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स डालता है. द फोर्सेस एग्जिस्टिंग पेयर. सेकंडली They are equal and opposite. मतलब जितना फोर्स ए बी पर डालेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स बी डालता है ए पर. इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है.
तो न्यूटन ने दो बातें बताई इस फोर्स से रिलेटेड. पहली बात, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. यानी ये जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. ये पहली बात हो गई. एक दूसरी बात जो हो गई, सेम फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो दूरी होती है जो डिस्टेंस होता है उसके साथ उसके स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब इसका मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रोपोर्शन में ये मासेस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा या घटेगा उसी प्रोपोर्शन में ये फोर्स बढ़ता है या घटता है. एक एग्जांपल, अगर मासेस का मल्टीप्लिकेशन डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा. या अगर मासेस का मल्टीप्लिकेशन 100 गुना हो जाता है 100 टाइम्स तो फोर्स भी 100 गुना ही होगा. दैट इज व्हाट वी से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. इसका क्या मतलब है? नाउ हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसका मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो जो फोर्स होगा वो बढ़ेगा नहीं. डिस्टेंस डबल होने पर दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फैक्टर ऑफ फोर्स से डिक्रीज होता है या फोर्स 1/4 हो जाएगा. यहां पर डी का स्क्वायर होने से ये डबल अगर किया तो ये 1/4 हो जाएगा. सो फोर्स रिड्यूसेस टू 1/4. सेकंड एग्जांपल, अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस हम 10 गुना करते हैं तो जो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच होगा वो हो जाएगा 1/100. This is the meaning. So force is directly proportional to product of the masses and force is inversely proportional to square of distance between them. अब इन दोनों को अगर हम combine करते हैं तो हम लिख सकते हैं the force is proportional to product of masses that is m1 m2 divided by square of distance that is d square. This is proportionality. अगर इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट हमको यहां लिखना पड़ेगा दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल जी इंटू एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर. तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. इसमें ये जो जी आपको दिखाई दे रहा है इट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. रिपीट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है. कहीं पर भी आप जाओ इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया है यूनिवर्सल. और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका फॉर्मूला. तो ये कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज द टॉपिक व्हाट वी से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होगा, ऐसा ही फोर्स होता है अर्थ और मून के बीच. एग्जैक्टली ऐसा ही फोर्स आपको मिलेगा अर्थ और
सन के बीच। तो हमको सिर्फ इसका फार्मूला ही लर्न करना नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही लर्न करनी नहीं है, ये तो समझ लेना है, साथ साथ हमको इसका एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट यानी क्या? तो इफ देन, अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर हमने बॉडीज के मासेस को डबल किया तो फोर्स पे क्या परिणाम होगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर आधा किया या डबल किया या 10 गुना किया, 4 गुना किया, तो फोर्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो पूछा ही जाता है, साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून रिड्यूसेस टू हाफ। एक इमेजिनेशन है कि अगर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस आधा हो जाता है तो उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, या डिस्टेंस अगर डबल हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच कितना होगा। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इन्हीं की मोशन को गवर्न करता है, इन्हीं की मोशन को कंट्रोल करता है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसमें कुछ नियम है, एक सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। सिस्टम मतलब जहां कुछ रूल्स और रेगुलेशन से काम होता है। ये सारे प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगली बार, अगले ई लेक्चर में हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के मोशंस की, काफी प्रकार के मोशंस हैं, उन मोशंस के डिटेल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड थ्योरी, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले इलेक्शन। तब तक इसको आप देखो, इसको आप सुनो, इसको रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू।